मैं नहीं कह रहा हूं, ध्रुव राठी कह रहे हैं, उनका जरा ये बाइट सुनाइए आप। लोग हैं वो भी पीछे देखें क्या हो रहा है यहां पर, उन्हें भी दिखेगा कि यहां पर हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये सारा जो खेल खेला जा रहा है, देश को बेचने का खेल खेला जा रहा है, पूरी पावर कंसोलिडेट करने का, देश को डिक्टेटरशिप बनाने का खेल खेला जा रहा है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें क्या पता चला, जो देश की टॉप बीफ कंपनी है उसने भी करोड़ों रुपए डोनेट किए बीजेपी को, बीफ कंपनीज बीजेपी को डोनेट कर रही है और ये फिर हिंदू बनने का नाटक करते हैं। ये सारा जो खेल है पीछे ये सिर्फ पैसे का है और पावर का है, इसका किसी रिलीजन से कुछ लेना। फ्रेम बाय फ्रेम मैं तो चाहूं तो फ्रेम बाय फ्रेम इनके इतने स्टेटमेंट है कि घंटों लग जाएगा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं मैंने अभी तक नहीं देखा है डिक्टेटर वाला, मैं देखना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे मालूम है वो एक फॉल्स नैरेटिव है जो प्लेस किया जा रहा है। जिनको नहीं मालूम है, टाइम मैगजीन की वो रिपोर्ट 2019 की जिस पर मैंने ही प्रतिक्रिया ली थी, वो भी मैं आपको मैंने दिखाया, अभी आपने देख लिया ऑलरेडी, फिर वही 5 साल के बाद घूम फिर करके फिर वही कहानी आ गई है, डिक्टेटर डिक्लेयर कर दो नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के और बाकी वीकनेस को आप कैसे एक्सपोज करेंगे, इस पर काम नहीं हो सकता है। वो कैसे आप कंसल्टेड बिना इसकी आलोचना किए हुए जा सकते हैं, उस पर काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर डिक्लेयर कर दो, और डिक्टेटर कौन डिक्लेयर कर रहा है, तो ध्रुव राठी डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके पहले टाइम मैगजीन वाले रिपोर्टर ने किया था, तबलीन सिंह के पुत्र ने किया था, और तबलीन सिंह आजकल जब शोभा डे बदल गई, शोभा डे ने जाकर के नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिला लिया, शोभा डे बहुत विरोधी थी, शोभा डे भी मुलाकात कर ली। अब ये सब जो पावर गैलरी में घूमने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी हो सकता है कि वहां दाल नहीं गल रही हो, तो उनके लिए हो सकता है नरेंद्र मोदी बहुत बड़े डिक्टेटर हो गए। ट्रेंड वही है, ट्रेंड को देखिए, टाइम मैगजीन का डिक्टेटर, अभी ध्रुव राठी का डिक्टेटर कहना, ट्रेंड वही चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है, हिंदू होने का सवाल किसके ऊपर था? बीफ एक्सपोर्टर अगर चंदा देता है बीजेपी को, तो आपने कहा कि देखिए ये कैसी पार्टी है जो हिंदू होने का नाटक करती, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपके इस सवाल के साथ हूं कि अगर हिंदू सेंटिमेंट को भारतीय जनता पार्टी रखती है पब्लिक के बीच में, तो हिंदू सेंटिमेंट का सम्मान करना चाहिए, और हिंदू सेंटिमेंट बीफ के खिलाफ है, गाय के मांस के खिलाफ है। लेकिन आपको तो मालूम है, यहां तो भस्म रमा के चलिए तो अच्छा, मंदिर जाइए तो हिंदू, न जाइए तो हिंदू, पूजा कीजिए तो हिंदू, पूजा न कीजिए तो हिंदू। और आपको याद हो, अभी मैं आपको एक और पक्ष सुनाता हूं, और ये आरिफ मोहम्मद खान ने मेरी इंटरव्यू में कहा कि ऋणम कृत्वा घृतम विभेद घृतम पिबेद जावत जिवेद सुखम जिवेद। अब चारबाग ने ये कहा, और चारबाग को भारत में ऋषि की संज्ञा दी गई। तो अद्भुत देश है ये, बीफ खाने वाले को भी यहां स्वतंत्रता है, वो बीफ खा रहे हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि आप बीफ खा रहे हैं, आपको हिंदू माना जा रहा है, वो जो एक्सट्रीम फिलॉसफी है उसके तहत, लेकिन जो लार्जर हमारा जो जनमानस है वो गाय को माता मानता है और उसके उसकी मांस को खाना पाप समझता है। ध्रुव राठी अपने ही इंटरव्यू में एक प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए अपमानित कर रहे हैं करण थापर को कि देखिए बीफ का व्यापारी चंदा देता है तो उस पर हम सवाल कर रहे हैं और आप तो बीफ खाने वाले हैं। आपने तो अभी हमारे इंटरव्यू में कहा आई लव गुड बीफ बर्गर, आप तो गाय का मांस खाने वाले हैं। अब ये जो गाय का मांस खाने वाले हैं, इनका जो रिलेशन है वो रिलेशन वहीं तक जाता है जिनको कोर्ट में लतारा गया था, कोर्ट में पूछा गया था कि क्या आप सभी हिस्टोरियन हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं। कब की बात मैं कह रहा हूं, राम मंदिर की हियरिंग हो रही थी, तब इन लोगों ने कहा था, 40 लोग थे उसमें, 40 लोगों ने अर्जी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने कि इसको खारिज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सबसे पूछा था आप लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं कि हिस्टोरियन हैं, कहा कि हम हिस्टोरियन हैं, बोला रफा हो जाइए, दफा हो जाइए यहां से, हिस्टोरियन की हम सुनने के लिए नहीं आए हैं, यहां जो हमारे सामने सबूत है मैं उसके ऊपर काम करने वाला हूं, हम आर्कियोलॉजिस्ट की सुनेंगे, अगर आप लोग आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है तो रहने दीजिए अपनी दलील को, आर्कियोलॉजिस्ट अगर इसमें से कोई है जो साबित कर दे कि वहां उत्खनन में क्या क्या मिला तब हम आपसे बात करेंगे।
ये रिलेशन है रोमिला थापर का और बीफ खाने वाले करणजीत थापर का। वो इंटरव्यू कर रहे हैं किनको, तो ध्रुव राठी जी को। और ध्रुव राठी जी किस बात पर इंटरव्यू कर रहे हैं कि साहब पूरा देश जो है खतरे में पड़ गया है, डेमोक्रेसी खतरे में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर बनने जा रहा है और तीसरा टर्म जैसे बन के आएगा संविधान बदल दिया जाएगा। और ये हवाला दे रहे हैं कि सारे यूट्यूब सब कुछ को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, इनको डेमोक्रेसी की बड़ी चिंता है। कोविड के दौरान जो पूरा पाप हो रहा था पूरी दुनिया में, मैंने एक वीडियो इनका नहीं देखा। और जो वीडियो आया वो उसी जहां से हो सकता है माल मिल रहा हो इनको, उनके ही नैरेटिव को फैलाने का ये धंधा कर रहा था। ये शख्स उनके ही नैरेटिव को फैला रहा था। ये नहीं कह रहा था टीके के बारे में, ये नहीं कह रहा था लॉकडाउन के बारे में, ये नहीं कह रहा था मास्क के बारे में, ये कुछ भी नहीं कह रहा था कि इस तरह के जो लिए जा रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए, ये अनसाइंटिफिक है, इसमें कहीं विज्ञान नहीं है, कहीं साइंस नहीं है। ये मैकेनिकल इंजीनियर है पेशे से, इन्होंने पढ़ाई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इतने बेवकूफ तो है नहीं। 15-16 रिसर्चरों की टीम रखते हैं, देखने में बड़ा मॉडल लगते हैं, सुंदर चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनको लगता है कि मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं, इनके पास बहुत तर्क है। तर्क इनका देखिए कि कोविड के दौरान इनके तर्क चले गए थे तेल लेने के लिए, तर्क ही नहीं दे पाए। जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तब इनका तर्क कहीं नहीं दिख रहा था। कोविड के दौरान, कोविड के दौरान इन्होंने यह सवाल नहीं पूछा कि टीके की आवश्यकता है नहीं है, लॉकडाउन की आवश्यकता है नहीं है, मास्क की आवश्यकता है नहीं है, इस पर कोई सवाल नहीं था। यह दुनिया के उन सारे नैरेटिव के साथ था। उस वक्त जब दुनिया भर में सारी संस्थाएं इस तरह के रिपोर्ट को टेक डाउन कर रही थी, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, तो ध्रुव राठी का कोई वीडियो नहीं आया, रंबल पर भी नहीं आया, बिटट्विट पर भी नहीं आया, क्योंकि वहां यूट्यूब इनको माल बना रहा था, यूट्यूब से ये पैसा बना रहे थे। मैं देश के युवाओं को यह बताना चाहता हूं, ये नैरेटिव आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग को तबाह मत कीजिए, अपने क्रिटिकल थिंकिंग को जिंदा रखिए। ध्रुव राठी की सत्यता पहले अब दिखा लूं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।